नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम टाइम एंड डिस्टेंस के 7 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा आखिरी लेक्चर होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का, और इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दो व्यक्ति एक ही समय पर ए बिंदु से बी बिंदु की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तेज गति से चलने वाला व्यक्ति बी बिंदु पर पहुंचता है तथा ए बिंदु की ओर वापस लौटने लगता है, और वह 32 किलोमीटर की दूरी पर धीमी गति से चलने वाले व्यक्ति से मिलता है, तो ए और बी बिंदु के बीच की दूरी बताओ। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ये दो पॉइंट है, ये ए है और ये बी है। यहां से दो व्यक्ति हैं, एक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों व्यक्ति बी बिंदु की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, पर इसकी स्पीड तेज है, तो ये क्या होता है, पहले बिंदु बी पर पहुंच जाता है और बी से पहुंचने के बाद वापिस ए की तरफ लौटने लगता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाला व्यक्ति भी लगातार चलता जा रहा है, तो ये इस पॉइंट पे, मान लो पी पॉइंट पे, एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने समय में 80 किलोमीटर प्रति घंटे वाला व्यक्ति पी पे पहुंचा, उतने ही समय में 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाला व्यक्ति पी पे पहुंचा, क्योंकि रुक तो कहीं रहे नहीं। 80 वाला यहां गया, वापिस यहां आया, और ये तब तक कहां पहुंचा, इस पॉइंट पी तक पहुंचा। तो हमें यहां से पता क्या लगता है कि जितने समय में 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाला ए से पी पे पहुंच रहा है, उतने ही समय में 80 किलोमीटर प्रति घंटे वाला जो आदमी है वो ए से बी तक पूरा ट्रेवल करता है और बी से पी के पास पहुंच जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं समय बराबर समय का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो मान लो कि आपका पूरा डिस्टेंस कितना है, बी, और ये कितना है, 32 किलोमीटर, वो और ज्यादा चलता है, तो ये कितना समय लिया, टी, और इसने भी कितना समय लिया, टी। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो तेज स्पीड वाला जो है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टी समय में, भाई ये पूरा डी और फिर वापिस ये 32, तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना हुआ, डी प्लस 32, और इसकी स्पीड कितनी है, 80। इसने ये पूरा का पूरा डी है, यहां से ए से लेके बी तक का, और बी से पी तक 32 किलोमीटर है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी माइनस 32 अपॉन 60। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 4 8, 2 3 6, कितना बचेगा, ये 3d प्लस 3 3 9, 3 2 6 इज इक्वल टू 4d माइनस 4 3 12, 4 2 8। इसको हम इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये बचेगा डी और ये हो जाएगा आपका 8 और 6 14 4 1 2 2, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 224। कौन सा डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस। तो ये दोस्तों था बेसिक मेथड, देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या होगा। तो शॉर्टकट मेथड के लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट के लिए जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बी से पी की ओर, इसको देखना है 32, पहले की स्पीड कितनी है 60, 60 की मल्टीप्लाई आपको 32 में करनी है, तो कितना होगा, 0 6 2 12 1 6 3 18 1 19 19 20। दूसरी स्पीड कितनी है 80, कितना ट्रेवल हो रहा है, ये वाला डिस्टेंस हमेशा लेंगे 32, तो 0 8 2 16 6 1 8 3 24 4 1 25। तो दोस्तों यहां आपको क्या लेना है, डिफरेंस कितना आएगा 20, यहां क्या करना है आपको ऐड, 0 6 2 8 9 5 14 4 1 2 1 3 4, यहां से आपको क्या निकालनी है, एक पॉइंट की वैल्यू, तो 20 पॉइंट की वैल्यू, 0 से 0 1 पॉइंट की वैल्यू, 2 2 4 2 2 4 2 4 8, ये जो 1 होगा, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई, 224, ये 1 ही आपका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इसका ए और बी का, ए टू बी। दोबारा से देखते हैं, जो भी तेज गति वाला व्यक्ति है वो बी से जितनी दूरी पे धीमी गति वाले व्यक्ति से मिलता है, वो वाला डिस्टेंस आप लेंगे, दोनों स्पीड की उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 की मल्टीप्लाई 32 से 1920, 80 की मल्टीप्लाई 32 से 25 60,
इधर आपको ऐड करना है, इधर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहां से वन पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, और ये वन पॉइंट क्या होगा, टोटल डिस्टेंस किसका, ए और बी का। तो देखो बेसिक से भी कितना आया 224 किलोमीटर, और इससे भी कितना आएगा 224 किलोमीटर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, दो व्यक्ति एक ही समय पर ए बिंदु से बी बिंदु की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तेज गति से चलने वाला व्यक्ति बी बिंदु पर पहुंचता है तथा ए बिंदु की ओर वापस लौटने लगता है, और वह एक निश्चित दूरी पर धीमी गति से चलने वाले व्यक्ति से मिलता है। किस दूरी पर, निश्चित दूरी पर। इसमें आपको डिस्टेंस नहीं दिया है कि कितने डिस्टेंस पे वो इसको मिल रहा है। इसके आगे यदि ए और बी बिंदु के बीच की दूरी 540 किलोमीटर हो तो बी बिंदु से उस स्थान की दूरी बताइए जहां पर दोनों मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दी हुई थी 32 किलोमीटर, बट इस क्वेश्चन में हमें वो दूरी निकालनी है, और पहले क्वेश्चन में हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था, और इसमें वो डिस्टेंस दिया है 540। तो फिर से देखिए, ये दो डिस्टेंस है, दो बिंदु है ए और बी, यहां से एक स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो ये जो पॉइंट है जहां पर वो मिल रहे हैं कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, तो क्या करेंगे, 40 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ कितना हो जाएगा 40x, 50 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ कितना हो जाएगा 50x, इधर दोनों का क्या लेना है सबमिशन 90x, इधर दोनों का क्या लेना है डिफरेंस यानी 10 is equal to 90x, 0 से 0 cancel यानी 1 is equal to 9x। और दोस्तों ये मैंने क्या बताया था कि ये जो 1 पॉइंट होता है ये A और B के बीच की दूरी होती है, तो लेकिन यहाँ हमारा 1 है और क्वेश्चन में कितना है 540, तो 540 की वैल्यू कितनी होगी 9x, और x की वैल्यू कितनी होगी 60 किलोमीटर। तो यानी कितनी दूरी पर वो मिलेगा B से, 60 किलोमीटर की दूरी पर वो उससे मिलेगा। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है, यदि उसकी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसे 40 मिनट कम लगते हैं, यदि उसकी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसे 40 मिनट का अधिक समय लगता है, तो चाल और दूरी बताइए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला हम उसको बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल टू होगा 2x1 x2 upon x1 minus x2। इसमें क्या क्या है, x1 क्या है आपका, जितनी स्पीड आपकी बढ़ाई है, जितनी स्पीड इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हो रही है, और x2 क्या है, जितनी स्पीड कम हो रही है या वो डिक्रीज कर रहा है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी यहां 2 मल्टीप्लाई x1, कितनी स्पीड बढ़ा रहा है यदि उसकी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यानी 3 वो बढ़ा रहा है और उसके बाद उसकी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, 2 को क्या कर रहा है वो कम कर रहा है, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 2 6 6 2 12 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है स्पीड। और दोस्तों डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगेगा S दोस्तों डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगेगा S प्लस x1 S माइनस x2 अपॉन x1 प्लस x2, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे t1 प्लस t2 अपॉन 60। क्या है इसका मतलब, S क्या है आपकी स्पीड है, जो ये स्पीड आई है, x1 वही जितना हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, x2 जितना हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, x1 प्लस x2, t1 प्लस t2 ये नई चीज है इसमें, t1 प्लस t2 क्या है कि उसको कितना समय अधिक लग रहा है और कितना समय उसको कम लग रहा है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू रखेंगे 12 और 3 कितना हो जाएगा
15 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस कितना, x2 कितना है 2, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 अपॉन x1 प्लस x2, x1 कितना है 3, x2 कितना है 2, 3 और 2 5 मल्टीप्लाई t1 प्लस t2 बाय 60। तो t1 हमारे कितना नेट पहुंच रहा है 40 और 40 ही कम, तो 80 अपॉन 60। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 15 4 जा 60, 4 2 जा 8 0, डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा कितना 40 किलोमीटर, क्या होगा इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों सेम टाइम पर। क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है, यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यानी x1 कितना हो गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर, और उसकी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यानी x2 कितना हो गया आपका 3 किलोमीटर पर आवर। तो जब बढ़ा रहे हैं तो उसे 30 मिनट कम लगते हैं, और जब घटा रहे हैं तो उसको 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो हमें स्पीड बतानी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी 2 इंटू एक्स वन इंटू एक्स टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स वन 4, एक्स टू 3 अपॉन 4 माइनस 3, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी उसकी स्पीड होगी, और डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो एस प्लस एक्स वन एस माइनस एक्स टू अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू T1 प्लस T2 अपॉन 60। ये 60 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम मिनट में दिया हुआ है, मिनट को हम चेंज कर रहे हैं आवर्स में। तो S कितना है 24, 24 प्लस 4 28 मल्टीप्लाई 24 माइनस 3 21 अपॉन 7, 4 प्लस 3 7 मल्टीप्लाई 30, 30 60, 60 बाय 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 या 84 किलोमीटर क्या होगा डिस्टेंस होगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं कैसे हम ऑप्शन से, इन कुछ क्वेश्चन का टाइप है जिनको हम ऑप्शन से देखते हैं, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से वाला हम करते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक कार 84 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उसे उस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं, उसकी वास्तविक चाल बताओ क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि आपकी 84 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक कार है उसकी स्पीड हमें नहीं पता कितनी है, तो जब वो उसको ट्रेवल कर रही है तो उसको कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन जब उसकी स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति घंटा हम इंक्रीज कर देते हैं तो जितना वो टाइम ले रही थी उससे 2 घंटे अब क्या करती है कम टाइम लेती है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए ऑप्शन सबसे अच्छा मेथड होता है। ऑप्शन से आप ए बी सी डी करके एक ऑप्शन उठा के देखिए और दी हुई कंडीशन को क्या कर दीजिए सेटिस्फाई कर दीजिए, जैसे इसमें क्या है 2 घंटे कम लेती है, तो आप एक जो उसकी निश्चित चाल है वो आप लेट कर लीजिए ऑप्शन से, जैसे मैं ले रहा हूं ऑप्शन नंबर ए 6। तो जब हम टाइम निकालेंगे तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से हम देखेंगे तो उसको कितना टाइम लग रहा है 6 × 6 = 24 14 आवर्स लग रहा है, लेकिन जब हम इसकी स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे यानी कितनी हो जाएगी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब टाइम कितना हो जाएगा 84/7 7 × 7 = 14 कितना 12 आवर। तो हमने देखा हमारे पास कितना कम टाइम लग रहा है 2 आवर, और क्वेश्चन में भी क्या दिया है कि 2 घंटे कम लगते हैं। तो जिस भी ऑप्शन पे आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है वही ऑप्शन आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एक कार 350 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसे उस दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो वास्तविक चाल बताओ क्या होगी। अब दोस्तों हमें टाइम निकालना है और हमारे पास डिस्टेंस कितना है 350, तो ए बी सी डी ऑप्शन आपके पास है, आप एक एक करके चेक करोगे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ऑप्शन को चूज करने का कि आप देखिए कि 350 जो है वो किससे डिविजिबल है,
क्या 60 से डिविजिबल है ये? नहीं। क्या 80 से डिविजिबल है? नहीं। 70 से डिविजिबल है? यस, इसको हम ले सकते हैं। 90 से डिविजिबल है? नहीं। तो हम 70 लेके देखते हैं सबसे पहले। तो 70 हम लेंगे तो कितना टाइम लग रहा है? 5 आवर। अब उसने कहा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, तो अब टाइम कितना लगेगा? 350। स्पीड कितनी कम कर दी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले 70 थी, अब कितनी हो जाएगी? 50। तो कितना टाइम आएगा? 7 आवर। तो देखा कितना टाइम इंक्रीज हुआ? 2 घंटे का। और क्वेश्चन में भी क्या बोला है कि 2 घंटे का अधिक समय वो लेता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस जो चैप्टर है वो खत्म हो रहा है। कल से बोट और स्ट्रीम की हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका फायदा हो रहा है तो किसी और का भी फायदा हो सकता है। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।